है, दीदी क्या कह रही है, दीदी कॉफ के लिए, दीदी कॉफ के लिए। प्रिंसिपल आई क्लास में, उसने वो मेरा बचपन का नाम लेके पूछा कि भाई वो कौन साहब है, तो मैं डर के मारे बैठा रहा अपनी सीट पे। फिर वो मेरी बड़ी बहन को लेके आई, उन्होंने कहा जी वो तुम्हारा भाई जो है वो बख्तियार अकबर के नाम से, मतलब बचपन का मेरा, तो उसने मेरी तरफ इशारा किया जी ये है बख्तियार अकबर। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो अनवारुल हक है। तो फिर घर आए तो वाले साहब को बताया, तो उन्होंने पूछा क्यों भी नाम पसंद नहीं, तो मैंने कहा नहीं जी क्योंकि ये वजह है कि फैमिली का नाम नहीं आता, तब मैं छोटा था। तो अगले दिन गए जाके और नाम चेंज करवा के वापस आ गए। और इस तरह से हर बात में इनकरेज करते थे, कभी किसी बात से मना नहीं किया था, सिर्फ ये था कि हमें पता था क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, क्या चीज़ उनको बुरी लगती है। मुझे याद है छोटे होते मैं उनके साथ जाया करता था जो एक्सरसाइज एरिया में जब वो होते थे, तो वहाँ पे रात के वक्त वो जब ओकाड़ा में थे, जब जनरल थे, तो वो जनरल को एक कैरवान मिलता है आर्मी वालों की तरफ से, उसमें एक ही बिस्तर होता है, तो वो मुझे बिस्तर में सुलाते थे और खुद वो स्लीपिंग बैग में सोया करते थे रात को। और रात को जब बिस्तर में लिटा के अच्छी तरह रजाई वगैरह से ढक के, फिर खुद उसके बाद मैं तो सो जाता था, उसके बाद फिर वो अपना काम वाम करते रहते।